अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो, खुश रहो मेरा बच्चा। ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। बैठो। आज बड़ी देर हो गई। जी वो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस थी। देखो कुछ तस्वीरें और हैं लड़कियों की, जरा अपने पापा के लिए देखो तो कैसी है। ये देखो, आगे बढ़ाना इस तरफ। इनमें से एक भी नहीं अच्छी। देखो तो सही, एक से बढ़कर एक है। दादू मैं कह तो रही हूँ एक भी अच्छी नहीं है। इसका मतलब तुम अपने पापा की शादी करवाने ही नहीं चाहती। दादू मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपने पापा से बहुत मोहब्बत करती हो, और ये भी जानती हूँ कि अपनी मामा की जगह किसी और को देखना नहीं चाहती। लेकिन जरा अपने पापा के बारे में भी तो सोचो, कितने तन्हा है वो। दादू तन्हा कहाँ है वो, मैं हूं ना उनके पास। हाँ बेटा तुम हो, लेकिन जो बीवी हो सकती है वो बेटी तो नहीं हो सकती। देखो बेटा तुम बड़ी हो गई हो, समझने की कोशिश करो। इंसान की बहुत सी जरूरतें होती हैं, जैसे खुराक, हवा, पानी, इसी तरह शादी भी एक जरूरत है। समझ रही हो ना? वैसे दादो एक बात बताएं। पूछो। अगर पापा की जगह मामा होते तो क्या तभी सबको उनकी दूसरी शादी कितनी फिक्र होती? बेटा ये जो तन्हाई होती है ना, बहुत जानलेवा चीज होती है। मेरा बस चले तो मैं दुनिया में किसी मर्द किसी औरत को तन्हा ना रहने दूँ।